YouTube का एक नया अपडेट आया हुआ है। अब इस अपडेट के कारण ये होने वाला है कि जितने भी शॉर्ट्स चैनल हैं YouTube पे, जितने भी ऐसे चैनल हैं जो स्पेशली अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करते हैं, उनकी अर्निंग पूरी तरीके से आप कहो तो ख़त्म ही समझो, मतलब बंद ही समझो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि YouTube पे जो भी लोग शॉर्ट्स अपलोड करते हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, मान लीजिए किसी ने भी अपनी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी, उनके वीडियोज़ पे 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे व्यूज आते हैं, फिर भी उनकी अर्निंग उतनी नहीं होती है एड्स के थ्रू। YouTube ने एक अपडेट लाया था कि YouTube शॉर्ट्स देखते टाइम जो एड्स आएंगे उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगी और लोगों को पैसे मिलेंगे, बट उससे भी बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट होती है। तो शॉर्ट्स वालों के पास इसका एक और तरीका था अर्निंग करने का, वो ये था कि वो लोग अपने शॉर्ट्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते थे किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट का, या फिर किसी भी तरह के किसी एप्लीकेशन या फिर किसी और स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी उनका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डालते थे और शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन में भी उनके लिंक्स वो मेंशन करते थे जिनसे उनकी अर्निंग होती थी। लेकिन अब क्या आया है YouTube का एक अपडेट कि अब जो भी लिंक्स शॉर्ट्स वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में होंगे या फिर उनके कमेंट सेक्शन में होंगे वो वर्क ही नहीं करेंगे। मतलब अगर आप लिंक डालते भी हो तो लोग उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि वो बेकार है। और YouTube शॉर्ट्स का एक अर्निंग का यही सोर्स था जो कि बहुत ही अच्छा था, मतलब इसके थ्रू शॉर्ट्स वालों की अर्निंग अच्छी हो रही थी, बट अब ये भी नहीं वर्क करेगा। यूट्यूब ने ये अपडेट लाया है कि 10 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये सब कुछ बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी कि किसी भी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में ना ही कोई लिंक वर्क करेगा और ना ही उनके कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई लिंक डाला गया होगा तो वो भी वर्क नहीं करेगा। तो इसका रीज़न YouTube ने क्या दिया है, इसका रीज़न YouTube ने ये दिया है कि इस तरह के लिंक्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा YouTube पे स्पैम हो रहे थे जिसकी वजह से ये कदम उन्होंने उठाया है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कितने लोग करते क्या है कि अपनी शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाते हैं और उनमें अपने लॉन्ग वीडियोज़ के लिंक डाल देते हैं ताकि उससे उनके लॉन्ग वीडियोज़ पे भी व्यू जा सके, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। तो इसके लिए YouTube ने ये कहा है कि सितंबर मंथ में वो एक नया अपडेट लेकर के आएंगे, उसमें कुछ एक फीचर्स वो इंक्लूड करेंगे जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियोज़ के लिंक को मेंशन कर पाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि यूट्यूब और कोई नया फीचर लेकर आए जिसके थ्रू इस तरह के लिंक्स वर्क करें, वो तो अब नया अपडेट जब सितंबर में आएगा तभी समझ में आएगा। तो इसको आप बहुत ही बैड न्यूज बोल सकते हो, जिनका स्पेशली शॉर्ट्स चैनल था उनके लिए ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। अब बात करते हैं जो हमारा चैनल बैनर होता है उसके लिए भी एक अपडेट आया हुआ है। जैसे कि आप मेरे चैनल पर या फिर किसी के भी चैनल पर जाओगे तो उनके चैनल का जो बैनर होता है उस बैनर पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक अटैच रहते हैं, ठीक है। जैसे उनका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया या फिर कोई भी और अदर प्रोफाइल होती है, आपको उनके बैनर पर लिंक मिलेगा और वहाँ पर क्लिक करते हैं आप वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे कि उनके बैनर पर अगर इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम पर चले जाओगे, लेकिन अब यूट्यूब ये कह रहा है कि वो बैनर पर जो भी लिंक्स है वो भी अब वर्क नहीं करेंगे, वो भी अब बंद होने वाले हैं, मतलब बंद हो ही रहे हैं, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन यूट्यूब ने ये निकाला हुआ है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें एक सब्सक्राइबर बटन नीचे दिख रहा होगा, तो इस सब्सक्राइबर बटन के जस्ट बगल में ही किसी भी तरह का एक नया फीचर आएगा जिस पे लोग क्लिक करके आपके सोशल मीडिया पे जा सकेंगे। वो किस तरह का अपडेट आएगा वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा, हो सकता है कि इस मंथ में 23 अगस्त तक आ जाए या फिर उसके बाद आए, बट ये जब चीज़ें अपडेट आएंगी तब समझ में आएगा, लेकिन अभी के टाइम में ये सब कुछ अप्लाई हो चुका है। तो इस अपडेट के बारे में आपके अगर कोई राय होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।